नमस्कार, मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे ट्रेनों को लेकर। कई ऐसी ट्रेनें हैं जो कि लेट होने वाली है, यानी कि लेट से जो है वो अपने आखिरी गंतव्य तक पहुंचने वाली है। इसके पीछे कई कारण हैं, हम इस पूरे वीडियो में जानेंगे कि उन ट्रेनों में लेट होने का कारण क्या है, और आप जब यात्रा करने के लिए जाएँ तो आप जो है उससे पहले एक बार उसे ज़रूर देख लें। रेलवे ने अपने यात्रियों को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा अपडेट साझा किया है, जिसके तहत रेलवे ने बताया है कि अगर आप आने वाले दिनों में ट्रेन से यात्रा करने वाले हैं तो यात्रा की तारीख के दिन ट्रेनों के समय सारणी को ज़रा ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में कई ट्रेनों के समय सारणी में बदलाव किया गया है। बता दें कि उत्तर बिहार से गुजरने वाली कई ट्रेनों के समय सारणी में बदलाव किया गया है। मीडिया में चल रही खबरों की माने तो गोरखपुर यार्ड में जारी निर्माण कार्य को लेकर ट्रेनों के समय सारणी में बदलाव किया गया है। बता दें कि 13, 18, 21 और 24 अगस्त को ट्रेनों के समय सारणी में बदलाव किया गया है। ऐसे में आइए एक नज़र डाल लेते हैं इन ट्रेनों के समय सारणी पर, जिसमें कि बदलाव किया गया है। बता दें कि 13 अगस्त को 15707 कटिहार अमृतसर आम्रपाली एक्सप्रेस, जो कि अपने समय से 165 मिनट यानी कि 2 घंटा 45 मिनट लेट से चलेगी। वहीं गाड़ी संख्या 02569 दरभंगा नई दिल्ली बिहार संपर्क क्रांति क्लोन विशेष ट्रेन, यह जो है 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटे की नियंत्रित करके जो है इन ट्रेनों को रोक रोक कर, जिसे हम कहते हैं, चलाया जाएगा। गाड़ी संख्या 19037 बांद्रा टर्मिनल बरौनी अवध एक्सप्रेस 180 मिनट नियंत्रित होकर चलेगी, यानी कि 3 घंटे की देरी से अपने गंतव्य तक पहुंचने की संभावना है। गाड़ी संख्या 14674 अमृतसर जयनगर शहीद एक्सप्रेस 165 मिनट नियंत्रित होकर चलेगी, जबकि गाड़ी संख्या 13020 काठगोदाम हावड़ा बाघ एक्सप्रेस 150 मिनट जो है नियंत्रित होकर चलेगी। 18 अगस्त को नियंत्रित होकर चलने वाली गाड़ियों में गाड़ी संख्या 1242 जम्मू तवी बरौनी मौर्य ध्वज एक्सप्रेस 50 मिनट नियंत्रित होकर चलेगी, तो वहीं गाड़ी संख्या 15653 गुवाहाटी जम्मू तवी अमरनाथ एक्सप्रेस 30 मिनट और गाड़ी संख्या 10020 काठगोदाम हावड़ा बाघ एक्सप्रेस 120 मिनट नियंत्रित होकर चलेगी। 21 अगस्त को जो ट्रेनें नियंत्रित होकर चलने वाली है उसमें 12491 बरौनी जम्मू तवी मौर्य ध्वज एक्सप्रेस जो कि 132 मिनट नियंत्रित होकर चलेगी, वहीं 02569 दरभंगा नई दिल्ली बिहार संपर्क क्रांति क्लोन विशेष ट्रेन 125 मिनट नियंत्रित होकर चलेगी। इसके साथ ही साथ 15531 सहरसा अमृतसर जनसाधारण एक्सप्रेस 110 मिनट नियंत्रित होकर चलेगी, तो वहीं गाड़ी संख्या 02563 बरौनी नई दिल्ली वैशाली क्लोन ट्रेन 73 मिनट नियंत्रित होकर चलेगी। 24 अगस्त को नियंत्रित होकर चलने वाली गाड़ी संख्या 15707 कटिहार अमृतसर आम्रपाली एक्सप्रेस 145 मिनट नियंत्रित होकर चलेगी, तो वहीं 02569 दरभंगा नई दिल्ली बिहार संपर्क क्रांति क्लोन ट्रेन 70 मिनट नियंत्रित होकर चलेगी। गाड़ी संख्या 13020 काठगोदाम हावड़ा एक्सप्रेस 120 मिनट नियंत्रित होकर चलेगी। ऐसे में रेलवे की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार गोरखपुर यार्ड में चल रहे कार्य के कारण इन ट्रेनों को नियंत्रित करके चलाने का फैसला किया गया है। ऐसे में अगर आप इन ट्रेनों से यात्रा करने वाले हैं तो अपने ट्रेनों की स्थिति के बारे में एक बार ज़रूर पता कर लें, क्योंकि ये ट्रेनें जो है 2 से 3 घंटे तक की देरी से चलने की संभावना है, या फिर कई ऐसे स्टेशन हैं जहां पर ये लंबे समय तक रुकने वाली है, खड़े रह सकती है, तो ऐसे में इन ट्रेनों को आखिरी गंतव्य तक पहुँचने में कुछ देरी तो ज़रूर होगी। ये थे ट्रेनों से जुड़ी हुई जानकारी। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।